ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतविषये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय तेष्वस च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए लोकनाथ गोस्वामी अभूगर गोस्वामी ब्रज के विभिन्न स्थानों के दर्शन कर रहे हैं और जिन स्थानों में जाते हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो जाती है, क्योंकि ये राधा रानी की निज सखियाँ थी पूर्व जन्म में। और जब गोस्वामी ने देखा कि जिस प्रकार ये भाव में डूबे रहते हैं तो उनके लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की सामग्री ले आते थे और उन्हें खिलाते थे। सम डेज लेटर लोकनाथ एंड भूगर गोस्वामी क्लाइम द हिल एट वर्साना एंड सॉ द ब्यूटिफुल प्लेसेस और लॉर्ड कृष्णा पास्टम इन द सराउंडिंग एरिया। यानी कुछ दिनों के बाद लोकनाथ और भूगर गोस्वामी जो होते हैं पहाड़ी चढ़ जाते हैं बरसाने की एंड सॉ द ब्यूटिफुल प्लेसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा पास्ट टाइम और उन स्थानों के दर्शन करते हैं जहाँ पे कृष्ण जी ने बहुत सी लीला की है राधा रानी के साथ उसके आसपास स्थानों में, जैसे मोर कुटीर है, दान घाटी है, साकरी खोल है, राधा कृष्ण की बहुत सी विभिन्न लीला वहाँ पे है। उन सब स्थानों के दर्शन करते हैं। फ्रॉम कुसुम सरोवर दे अगेन वेंट टू राधा कुंड टू परफॉर्म सर्कम्पलेशन। Another day they visited Kusum Sarovar and bathed there. दूसरे समय वो कुसुम सरोवर में जाते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। From Kusum Sarovar they again went to राधा कुंड to perform circumambulation. फिर कुसुम सरोवर से ये पुनः राधा कुंड आते हैं और राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। They stayed there one night, much to the delight of the residents. एक रात उन्होंने राधा कुंड में ही व्यतीत की और जिनसे सब लोगों को आनंद की प्राप्ति, उन्हें सुख मिला। After a few days, लोकनाथ गोस्वामी एंड भूगर गोस्वामी arrived in वृंदावन। कुछ दिनों के बाद लोकनाथ गोस्वामी भूगर गोस्वामी जो हैं वृंदावन आते हैं एंड went straight to the place on the bank of the Yamuna where Lord Krishna had chastised the काले serpent। और सीधे कहाँ पे जाते हैं, जमुना जी पे तट पे जाते हैं जहाँ पे कृष्ण जी ने कालिया दमन किया था। लोकनाथ गोस्वामी आज Do you remember this place and what happened here? लोकनाथ गोस्वामी पूछते हैं भूगर गोस्वामी से, क्या आप जानते हो स्थान को यहाँ पे क्या होता। एंड भूगर गोस्वामी recounted the past time। और भूगर गोस्वामी है वो सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं जो हुआ था, क्योंकि ये नंदी मुखी सखी है और लोकनाथ मंजूलाली सखी है तो ये राधा रानी के निज जन है, तो सारी लीला को ये जानते हैं और फिर उसी की चर्चा करते हैं। वन आफ्टर अनदर लोकनाथ एंड भूगर गोस्वामी विजिटेड ऑल द सेक्रेट प्लेसेस इन वृंदावन। एक के बाद लोकनाथ और भूगर गोस्वामी जो होते हैं वो सारे ब्रज के तीर्थों में जाके भ्रमण करते हैं, इंक्लूडिंग राजस्थली एंड निधिवन। और ये तो वृंदावन में आता है, राजस्थली निधिवन उधर भी गए। एज दे वांडर्ड दे क्राइड प्रोफ्यूज टीयर इन सेपरेशन फ्रॉम श्री राधा कृष्ण। जैसे विचरण कर रहे थे तो इनकी आँखों में आंसू बह जाते राधा कृष्ण के वियोग के कारण। दे सॉ चीर घाट देन रोम अबाउट इन द ब्यूटिफुल फॉरेस्ट टीयर। उन्हें चीर घाट के दर्शन किए और उस जंगल में विचरण करते हैं जो सुंदर वन है। दे हैव नो परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन व्रज।
यानी उनके पास कोई स्थानीय ऐसा नहीं था कि परमानेंट स्थान का जहाँ पे वो यहाँ रह सके, बस स्पेंट अ डे और टू ऑन द डिस्ट्री और दैट, यानी आज इस पेड़ के नीचे कल उस पेड़ के नीचे वास करते, क्यों? उनके भाव थे हमें किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना है। अगर हम निवास स्थान बनाएंगे तो उसके प्रति आसक्ति होगी, फिर उसको संभालने की चिंता होगी, तो कहते हमें तो भजन करना है, हम इस पर समय क्यों व्यर्थ गवाएं? तो एक पेड़ के भी नीचे नहीं बैठते, क्यों? कहीं उस पेड़ के प्रति आसक्ति ना हो जाए, तो फिर अंत समय इस पेड़ की याद आए तो हमें वापस संसार में आना पड़े। तो कहते कि हमें किसी चीज़ का हमको स्मृति नहीं आनी चाहिए राधा गोविंद के अलावा, इसलिए वो हर पेड़ के नीचे निरंतर भ्रमण करते थे। ये बहुत उच्च कोटि के भाव है, त्याग है, हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ईमानदारी से हम भजन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, तो हमको शायद कृपा मिल ही जाएगी। People often saw them lamenting and heaving heavy sighs, calling out, "Oh Lord Gaurang, I may never see your lotus feet again." यह कह ये विलाप करते थे और लंबी लंबी सांस लेते थे, और देखा लोगों ने उनको चिल्लाते हुए, हा गौरांग, मेरे को तेरे दोबारा पुनर्दर्शन नहीं होंगे। आई एम मेंटेनिंग माय लाइफ ओनली बाय द पावर ऑफ योर डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, आपके वचनों के कारण ही मैंने अपने प्राण को धारण कर रखे हैं। आई एम बिरफ्ट ऑफ योर एसोसिएशन एंड दिस प्रूव्स हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, मैं आपके संग से वंचित हूँ, इससे साबित होता है मैं कितना अभाग्य हूँ। यानी प्रभु अवतरित है यहाँ पे गौरांग के रूप में और हमें उनका संग नहीं मिल रहा है। देखिए प्रभु की आज्ञा है कि ये ब्रिज में जाए, इसी कारण से प्रभु जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। यानी भक्त के लिए प्रभु की आज्ञा ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने सुख की तुलना में। मेरे प्रभु की आज्ञा पालन होनी चाहिए, जो प्रभु चाहते हैं वो होना चाहिए, मुझे अपने सुख का चिंतन नहीं करना है। ओ लॉर्ड व्हेन विल आई सी रूप एंड सनातन गोस्वामी, कैफे कहते हैं कि मुझे कब रूप और सनातन गोस्वामी के दर्शन होंगे। ओनली व्हेन आई मीट देम विल आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट, जब हमें उनके दर्शन होंगे तब हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि महाप्रभु ने भी कहा था कि आपको रूप और सनातन गोस्वामी के दर्शन होंगे और मैंने उनमें अपनी कृपा शक्ति का संचार किया है, बहुत से ग्रंथ लिखेंगे जिसका प्रचार श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास और श्याम सब ने आगे जाके करना उन ग्रंथों के आधार पे। आई हैव नो वन हियर टू होम आई कैन रिवील माई डिस्ट्रेस, यहाँ पे कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख प्रकाशित कर सकूं। डियर लॉर्ड प्लीज फुलफिल माई डिज़ायर फॉर यू आर माई ओनली शेल्टर, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करिए, आप ही मेरे आश्रय। दीज टू एग्जॉल्टेड डिवोटी स्पेंड देयर डेज एंड नाइट रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू श्री श्री राधा कृष्णा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मूड्स, ये दोनों उच्च कोटि के भक्त हैं, ये रात और दिन क्या करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं राधा कृष्ण की अपने अपने भाव के अनुसार, क्योंकि एक मंजूलाली सखी है, एक नंदीमुखी सखी है, जिसका जो रोल है उस भाव के अनुसार वो अपने ठाकुर जी की सेवा करता है। द ब्रजवासी वर ग्लैड टू सी देम एंड सर्व देम विद लव एंड अफेक्शन, ब्रजवासी जो थे उन्हें देख के बहुत प्रसन्न होते थे और उनकी सेवा बड़े स्नेह से करते थे। वन डे द टू गोस्वामीज ओवरहर्ड द ब्रजवासीज टॉकिंग अबाउट टू ब्रह्मचारीज दे हैड मेट ऑन देयर वे टू धीर समीर, तो एक दिन इन दो गोस्वामी ने सुना कि ब्रजवासी आपस में चर्चा करे हैं कि दो ब्रह्मचारी हैं उन जो उन्हें दर्शन किए थे धीर समीर जाते हुए। धीर समीर वो स्थान है जहाँ पे प्रभु जब रास करके बैठे थे तो गर्मी का मौसम था, पवन दे धीरे धीरे ठंडी हवा लेके चल रहे थे, इससे उसको धीर समीर बोलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे विश्राम किया था, पवन देव ने उनके पसीना पहुँचा था किस प्रकार मंद सुगंधित और शीतल वायु चला के, इस स्थान को धीर समीर भी कहा गया। फ्रॉम देयर
appearance, we could understand that they were not ordinary human beings. उनके देखने मात्र से लगता कि वो साधारण जीव नहीं है. They are so attractive that it seemed as if Cupid himself has appeared. वो इतने आकर्षित थे ऐसे कि स्वयं कामदेव जो यहाँ पर प्रकट हुए हुए हैं. They were Brahman threads, यानी जिन्होंने जनेऊ पहना हुआ है. Perhaps they are demigods or Gandharv, हो सकता है वो देवता हों या गंधर्व हों. They greet whomever meets them with love and respect, यानी उनके पास जो भी आता है वो बड़े आदर और प्रेम से उसका स्वागत करते हैं. And they instruct everyone to worship Lord Krishna, और हर एक को कृष्णा भजन करने का उपदेश देते हैं. संत का यही काम है, जब स्वयं भजन करेंगे जो मिलेगा उसे हरी कथा सुनाएंगे और उसे कृष्ण भजन करने की प्रेरणा देंगे. यही संत के मूल लक्षण होते हैं. वो संसार की कोई परिचर्या नहीं करते, व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं. कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई कैसा भी, हमें से क्या लेना देना, हमें उसके धन से कोई प्रयोजन नहीं, उसके पद से कोई प्रयोजन नहीं. वो हमारे पास वो आए, वो हरी कथा सुनने आए और उस परम पद को प्राप्त करें. तुम्हारे जो भी पद होएगा वो परम पद तो नहीं है, वो तो नाशवान पद है. तुम कितने भी बढ़ोगे हमें उससे क्या लेना देना. हम तुमसे संसारिक चर्चा या तुम्हारी श्रेष्ठता सुनने नहीं बैठे हैं. हम तुम्हें उस परम पद को प्राप्त कराने के लिए हरी कथा सुनाने आए. अगर हरी कथा सुने इस परम पद के लिए तब आप आइए, अगर नहीं सुने तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम आप कितने बड़े आपकी चर्चा हम सुने उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है. आप जो भी हो गए, क्योंकि संसार के सब चीज़ परिवर्तनशील नाशवान है. हम उस आपके पद से हमें कोई प्रयोजन नहीं है ना आपके चर्चा से. आप कथा सुनिए, हरि नाम करिए, उस परम पद के लिए इस भाव से आते हो सुनने के लिए कथा तो आइए. नहीं भाव तो आप कैसे, तो फिर कोई जरूरत नहीं आने की. क्योंकि लोग क्या होता है, और जी बड़ा में मान सम्मान देना, उसे चर्चा करना, बात करना, इसे क्या मिलने वाला है. यानी दूसरे का दिल टूट जाएगा, जो कम पैसे वाले उसका दिल टूट जाएगा. और हमें क्या अधिकार है किसके हृदय को पीड़ित करने का, दुखाने का, हमें क्या जरूरत पड़ी है. हम क्यों किसी का दिल दुखा, हमारे लिए सारे समान हैं. वो भी कथा सुने परमपट के, तुम भी कथा सुना परमपट के लिए. हमें आपकी कथा नहीं सुनी, आप प्रभु की कथा सुनिए. Whoever witnesses their sadhan is amazed, जो को उनके साधन को देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है. People have been coming from distant villages simply to offer them gift. लोग दूर दूर गांव से आते हैं उन्हें भेंट अर्पण करने के लिए. They are extremely renounced and do not speak unnecessarily to anyone. वो बहुत बड़े त्यागी हैं और व्यर्थ की चर्चा करते ही नहीं हैं. All of the ब्रजवासी seem to treat them as their equal. ब्रजवासी उन्हें अपने समान ही मानते हैं. I am unable to describe all the possum of these associates of Lord Gaurang. तो कहते हैं मैं इनकी लीला का वर्णन करने की क्षमता मेरे में नहीं है, जो गौरांग के जो संगी है. Desiring to serve the lotus feet of Sri Janava and V. Chandra Ainitanans Das Nare Prem Vilas, यानी इच्छा करते हुए कि मैं जानवा माता और वी चंद्र के दर्शन का सेवा करना चाहता हूँ. मैं नित्यानंद दास प्रेम विलास का वर्णन करता हूँ. अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड चैतन्य सेव लव ऑफ गॉड फॉर नरोत्तम दास ठाकुर. महाप्रभु जो है प्रेम को बचा के रखते हैं किसके लिए, नरोत्तम दास ठाकुर के लिए प्रेम को बचा के रखते हैं. ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण चैतन्य हु इज एन ओशन ऑफ मर्सी एंड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ कंपैशन. उन कृष्ण चैतन्य की जय हो जो करुणा के समुद्र है और दया के स्वरूप है. ऑल ग्लोरीज टू नित्यानंद प्रभु हु इज द शेल्टर ऑफ द डिवोटीज. और नित्यानंद प्रभु की जय हो जो भक्तों के आश्रय हैं. ऑल ग्लोरीज टू अद्वैत प्रभु हु इज वेरी काइंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज. ये उन अद्वैत प्रभु की जय जयकार हो जो सब जीवों के प्रति उन्हें बहुत दया है, यानी बहुत स्नेह है. ऑल ग्लोरीज टू वीर चंद्र हु इज एन ओशन ऑफ मर्सी. उन वीर चंद्र की जय हो जो दया के समुद्र हैं. ऑल ग्लोरीज टू द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड गौरांग
महाप्रभु के भक्तों के जय जयकारों सिंपली बाय हेयरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य वन विल अटेन डिमोशनल सर्विस। केवल महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है। डियर रीडर्स प्लीज हेयर अटेंटिवली एज आई कंटिन्यू टू डिस्क्राइब दी ऑस्पिशियस पास टाइम ऑफ द लॉर्ड एंड डिवोटीज। कर पाठ को ध्यान से सुनिए, मैं वर्णन कर रहा हूँ प्रभु के मंगलकारी लीलाओं का और उनके भक्तों के से जो उन्होंने की है। द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स होली नेम इज द ऑर्नामेंट ऑफ बंगाल। तो बंगाल का आभूषण क्या है? हरिनाम संकीर्तन, ये सबसे बड़ा आभूषण है बंगाल का। बाय हियरिंग सच चैंटिंग वन इज श्योर टू अटेन लव ऑफ गॉड। जो हरिनाम कीर्तन का श्रवण करता है उसके अंदर भक्ति और प्रेम उत्पन्न होते हैं। तो श्रवण तो जाप करोगे तो कितना ज़्यादा फल मिलेगा। अगर श्रवण करने मात्र से ही प्रेम उत्पन्न होता है जो तो मनुष्य निरंतर जाप करेगा तो सोचो कितनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाएगा। द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड इज सुप्रीमली पावरफुल। तो प्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है ये बहुत शक्तिशाली है। ऑल अदर प्रोसेस फॉर अटेनिंग द अल्टीमेट गोल आर यूजलेस इन दिस एज ऑफ कली। कलयुग के अंदर हरिनाम को छोड़ के दूसरा कोई तरीका ही नहीं है प्रभु प्राप्ति का, दूसरा मार्ग ढूंढने सोचने की जरूरत भी नहीं है। केवल और केवल हरिनाम से ही जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सिंपली बाय चैंटिंग द लॉर्ड्स होली नेम विदाउट ऑफेंस वन विल अटेन ऑल परफेक्शन। तो कहते हैं हरिनाम करने मात्र से अपराध रहित होके इंसान क्या आएगा उस पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब क्या होता है उस पूर्ण कि हरिनाम हमें लगातार हरिनाम करोगे तो जीव से अपराध होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को लगातार हरिनाम करना चाहिए ताकि उससे कोई अपराध ना बन पड़े। Those who do not develop an attachment for chanting the holy name are not entitled to receive love of God. जिनको हरिनाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है उन्हें कभी भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करे हो सकता, वह अनाधिकारी है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको आसक्ति होनी चाहिए नाम के प्रति। Let those who have an intense desire to attain the lotus feet of Shri Krishna chant the holy name of Lord Hari. जिनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है उस भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की तो उनको हरिनाम ही करना पड़ेगा और कोई उसके अलावा विकल्प नहीं है। हरिनाम ही करना पड़ेगा जिसको उनके कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना। वन शुड चैंट द होली नेम और फिक्स नंबर ऑन बीट एवरी डे। संख्या पूर्वक हमको रोज जाप करना है। धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, घटानी कभी भी नहीं है। बाकी जितनी आपकी क्षमता फिलहाल है आप उतना करिए। जैसे 10 माल 10 से शुरू करिए, फिर कुछ हफ्तों के बाद 16 पे आ जाइए, कुछ हफ्तों के बाद 20 पे आ जाइए, फिर 32 पे आ जाइए, फिर 40 पे आइए, फिर 48 पे आइए। धीरे धीरे 64 पर आना ही पड़ेगा। वो न्यूनतम है कम से कम 64 माला प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। इससे क्या आएगा, भगवान में आसक्ति पैदा होगी, प्रेम उत्पन्न होएगा और कोई अपराध उससे बन नहीं पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई अपराध उससे होते ही रहेंगे। वन शुड चैंट द होली नेम और फिक्स ऑन एवरी डे ऑन बीच एवरी डे। तो हमें संख्या पूर्वक हरिनाम हमको रोज करना है। नाउ प्लीज हेयर माई डिस्क्रिप्शन ऑन नरोत्तम दास बर्थ। अभी आप सुने नरोत्तम दास जी के जन्म के विषय में। बाई हेयरिंग दिस
you will feel satisfaction and develop a taste for chanting the Lord's holy name. ये श्रवण करने मात्र से आपको तृप्ति होगी और आपको हरिनाम करने में रुचि उत्पन्न होगी. प्रभु का और भक्तों का चित्र सुनने से ही भजन में रुचि होती है. इससे जीव को निरंतर इनका श्रवण करते रहना चाहिए. लॉर्ड चैतन्य वंस स्टार्टेड फॉर वृंदावन फ्रॉम बंगाल बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वृंदावन ही रिटर्न फ्रॉम कनाई नाटशाला. तो एक बार महाप्रभु वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए लेकिन वृंदावन जाने के बजाय वो कहाँ पे कनाई नाटशाला चले गए. मैनी ऑथर्स हैव डिस्क्राइब दिस पास्ट टाइम सो आई विल स्पीक ओनली अबाउट ओनली दैट रिलेट्स टू नरोत्तम दास. कहते बहुत से लेखकों ने इसके बारे में वर्णन किया है तो मैं वही लीला बोलूँगा जो नरोत्तम दास से संबंधित है. लॉर्ड चैतन्य क्रॉस द रिवर पद्मा एट अ प्लेस नोन एज तारतीवापुर. तो कहते हैं एक पद्मा नदी है जो बंगाल की तरफ से बहती बांग्लादेश की ओर जाती है. तो कहते हैं उसको पार किया उस एक स्थान है जिसे कहते तारतीवापुर कहते हैं. ही वॉज ग्लैड टू सी द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. वो उस स्थान की सुंदरता देखे उन्हें बहुत अच्छा लगा. सो ही सैट डाउन ऑन द रिवर बैंक एंड टोल नित्यानंद प्रभु. वो बैठ गए नदी तट पे और नित्यानंद जी से कहते हैं आई विल नॉट गो टू वृंदावन बट टू स्टे. मैं वृंदावन ही जाऊँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा पद्मा नदी के तट पे. नित्यानंद प्रभु लाफ्ड यू टुक संन्यास एंड लेफ्ट नवदीप बट नाउ यू हैव चेंज योर माइंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पद्मा. नित्यानंद जी को हंसी आई, कहते हैं आपने संन्यास लिया नवदीप का त्याग किया है और आप पद्मा नदी के तट पे रहना चाहते हैं. द लॉर्ड सेड ओ श्रीपाद लिसन केयरफुली अ पर्सन शुड स्टे इन अ प्लेस वेयर ही फील्स हैप्पी. तो क्या कहते हैं प्रभु, कहते हैं श्रीपाद सुनिए, मनुष्य को रहना चाहिए वही स्थान पे जहाँ पे उसे खुशी होती है. बिसाइड दिस द रीज़न वाई आई केम हियर फ्रॉम नीलाचल एंड नॉट हैव बीन फुलफिल्ड. दूसरा कारण क्या है, मैं नीलाचल से यहाँ पे जिस कारण से आया हूँ वो अभी पूर्ण नहीं हुआ. द लॉर्ड देन वॉक टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ गौड़ देश. तो कहते हैं प्रभु जय गौड़ देश की राजधानी में चल के गए. ही अराइव्ड इन अ विलेज कॉल चतुरपुरा वेयर ही अनएक्सपेक्टेडली मेट सनातन गोस्वामी द एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सटेड लव. तो जब वो चतुरपुरा पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें सनातन गोस्वामी के दर्शन हुए जो प्रेम के स्वरूप हैं, क्योंकि ये भी मंजरी है. ही डिस्कवर्ड विद सनातन गोस्वामी वॉट एवर ही हैड ऑन हिज माइंड. इन्होंने सनातन गोस्वामी से सलाह की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. एंड देन वेंट टू कनाई नाटशाला. फिर कनाई नाटशाला की ओर प्रस्थान करते हैं. द लॉर्ड मिस्टुक दिस प्लेस फॉर वृंदावन एंड फेल ग्रेट एक्सटेसी. प्रभु ने उस स्थान को वृंदावन मान लिया, इस भाव में आ गए और उन्हें बहुत दिव्य भाव की अनुभूति हुई स्थान पे. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स इंटेंशंस. यदि प्रभु के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, जीव नहीं समझ सकता है. जब तक प्रभु कृपा करके हमें जनाए ना, हम उसको नहीं जान सकते. क्योंकि प्रभु बुद्धि से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, हर चीज़ से परे हैं. वो सीमा में कभी आ ही नहीं सकते. जो सीमा में आ जाए वो ईश्वर हो ही नहीं सकता. वो सीमा से परे है, वो अनंत है, इसलिए वो ईश्वर है. वन डे एज लॉर्ड चैतन्य वॉर डांसिंग इन संकीर्तन. एक दिन महाप्रभु जो थे संकीर्तन में नृत्य कर रहे थे. ही सडनली कॉल आउट द नेम नरोत्तम नरोत्तम. उन्हें नरोत्तम नरोत्तम कहकर आवाज़ लगानी शुरू की. ही स्टूड बाय लॉर्ड नित्यानंद साइड रेस्टिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर्स. नित्यानंद जी के बगल में खड़े हुए अपना हाथ जो है नित्यानंद जी के कंधे पर रखे हुए थे. वाइल शेडिंग टीयर्स ऑफ एक्सटेटेड लव और अपनी आंखों से प्रेम के अश्रु बहा रहे थे. अपॉन सिंह लॉर्ड चैतन्य डिस्प्ले ऑफ एक्सटेटेड सिम्टम्स.
जब महाप्रभु के दिव्य भाव के दर्शन किए उन्होंने, द डिवोटी स्टॉप द लॉर्ड कीर्तन एंड चैंटेड सॉफ्टली फेरिंग दैट द लॉर्ड माइट बी हर्ड। जब प्रभु के भाव के दर्शन किए, जो लक्ष्मण कंद दिखाई दे रहे थे, भक्तों ने कीर्तन बंद कर दिया और धीरे धीरे हरिनाम करना शुरू किया, ये सोच के कि प्रभु को कष्ट होएगा। एज एवरी वन सैट डाउन सराउंडिंग द लॉर्ड, जैसे सब लोग बैठ के प्रभु को घेर के चैंटिंग स्वीटली, बहुत मीठे तरीके से जप कर रहे थे, द लॉर्ड सडनली फेल टू द ग्राउंड अनकॉन्शियस। प्रभु जो है मूर्छित होकर गिर गए। इवन नित्यानंद प्रभु कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम फॉलिंग, नित्यानंद प्रभु भी उन्हें रोकने से, उन्हें मूर्छित होने से नहीं रोक सके या गिरने से नहीं रोक सके। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल द लॉर्ड क्राइड आउट, मथुरा मथुरा, कुछ समय के बाद प्रभु जो है चिल्ला के कहते हैं, क्या बोलते हैं, मथुरा मथुरा, द डिवोटीज हार्ट्स वर शैटर्ड टू सी द लॉस पैथेटिक कंडीशन, भक्तों के हृदय फटे जा रहे थे भगवान के दशा देके किस प्रकार वो विलाप कर रहे हैं, वो भक्तों से देखा नहीं गया। ये प्रेम की चरम सीमा में ही इस प्रकार के विलाप हो सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते नकलीपना, क्योंकि हमारे अंदर उस तरह का प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही इस प्रकार के विलाप होते हैं। इट अपियर्ड दैट द एंटायर विलेज ऑफ नाथशाला हैड बिकम फिल्ड विद लव फॉर कृष्णा, ऐसा लगता था कि पूरा जो गांव है नाथशाला वो कृष्ण प्रेम में से भर चुका है। द लॉर्ड क्राइड लॉर्डली एलिमेंटरी, प्रभु जोर से रोते और विलाप करते हैं, हिज गोल्डन बॉडी वॉज कवर्ड विद डस्ट एज ए रोल ऑन द ग्राउंड, उनका जो स्वर्णमय शरीर था वो धूल से भरा हुआ था और प्रभु उसमें लोटपोट हो रहे थे। मैन एंड वुमेन गेज एट द लॉर्ड इनचेंटिंग फॉर्म विदाउट ब्लिंकिंग, स्त्री और पुरुष प्रभु के रूप के दर्शन कर रहे हैं बगैर आँख झपके, बगैर पल के गिराए उनके दर्शन करते हैं। इट वॉज क्लियर दैट द लॉर्ड वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद लव ऑफ गॉड, ये बहुत स्पष्ट था कि प्रभु जो है प्रेम में मग्न है। एज ई रिपीटली चैंटेड मथुरा मथुरा एंड राधा राधा, और वह बार बार क्या बोलते हैं, मथुरा मथुरा और राधा राधा, ये शब्द उनके मुख से निकल रहा है। द लॉर्ड क्राइड आउट ओ राधा माई बॉडी इज बर्निंग बिकॉज आई कैनॉट सी यू, प्रभु कह रहे राधे मेरा शरीर जल रहा है क्योंकि मेरे को तेरे दर्शन नहीं हो रहे हैं। ओ ललिता ओ विशाखा ओ चंपक लता वेयर आर ऑल ऑफ यू, यानी आपकी सखियों को ललिता विशाखा चंपक लता से कि आप कहाँ हो। अलास कैन समवन शो मी द प्राण से, कोई मुझे प्राण सखी के दर्शन करा सकते हैं, प्लीज सेव माई लाइफ फॉर आई कैनॉट बियर द सेपरेशन एनी लॉन्गर, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, मैं उनका विरह नहीं सहन कर सकता। इफ़ आई कैनॉट सी कृष्णा राइट नाउ आई विल ड्रॉन माई सेल्फ इन द यमुना, अगर मेरे को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं तुरंत यमुना जी में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। देखो किस प्रकार की इनके अंदर विरह के भाव हैं, कितना प्रेम है कि प्रभु दर्शन के बगैर जीवन धारण करना व्यर्थ है, दर्शन नहीं होंगे तो सेवा कैसे होगी। हम लोग दर्शन करना चाहते हैं, अपने आँखों को सुख प्राप्त होता है, इसलिए ये भी स्वार्थ है, और भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं क्यों, क्योंकि प्रभु को सेवा करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए करते हैं, तो भाव में दोनों के भाव में आसमान जमीन का अंतर होता है, एक पे स्वार्थ है एक पे प्रेम है। आई विल ड्रॉन इन यमुना ओ ललिता लेट अस क्विकली गो टू मथुरा, ललिता चल हम तुरंत मथुरा जाते हैं। वाई एम आई नो लॉन्गर एबल टू सी द लॉर्ड ऑफ हार्ट, मुझे अपने प्राण प्रियतम के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। वैन नित्यन प्रभु सॉ द लॉर्ड ओवरवेन विद सच एक्साइटेड लव, जब प्रभु देखा कि प्रभु इस भाव में डूबे हुए हैं, ही कॉट होल्ड ऑफ हिम वाइल थिंकिंग, उन्होंने नित्यन प्रभु ने पकड़ा ये सोचते हुए, वाई डिड वी कम टू दिस विलेज, हम इस गांव में क्यों आए हैं, नाथशाला ये जगह इस पर क्यों आए, मे बी दिस इज द प्लेस वेयर द लॉर्ड गौरचंद्र विल लीव अस फॉर एवर,
हो सकता है ये स्थान वही हो जहाँ पे गौ सुंदर यानी महाप्रभु हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। इस प्रकार के विचार नित्यानंद प्रभु के अंदर आ रहे थे, प्रभु की दशा देखे किस प्रकार वो राधा रानी के लिए विलाप कर रहे हैं, किस प्रकार नहीं सारी वो कृष्ण के लिए विलाप कर रहे हैं क्योंकि राधा रानी के भाव में तो ही हैं, आपकी सखियों के लिए विलाप कर रहे हैं, कृष्ण के लिए विलाप कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु लाउडली चैंटेड जगन्नाथ मैसेज जगन्नाथ नेम विद ब्रॉड श्री चैतन्य माँ बैक टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, जगन्नाथ जी का नाम लेना शुरू किया तो महाप्रभु को भारी चेतना हुई क्योंकि ब्रज के नाम अलग हैं, द्वारका के नाम अलग होते हैं, वासुदेव नंदन द्वारकाधीश ये उधर के नाम है, देवकी नंदन ये द्वारका के नाम है और ब्रज के नाम है राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन और यशोदा नंदन नंद नंदन ये ब्रज के नाम है। तो इंसान जो नामों का उच्चारण करता है उसके अनुसार उसके भाव बनते हैं, वो उस स्थान में जाता है। आपको जो नाम प्रिय जिसको ब्रज के भाव चाहिए वो ब्रज के नामों का उच्चारण करेगा और जिनको द्वारका के भाव चाहिए वो द्वारका के नामों का उच्चारण करेगा, वासुदेव का नाम लेगा द्वारकाधीश का नाम लेगा इस प्रकार का। तो हमारे महाप्रभु जो ब्रज के भाव में जब जगन्नाथ जी का नाम लिया तो उनका भाव कम हुआ तो उन्हें भारी चेतना होती है। आप देखोगे द्वारका वासियों में या मथुरा वासियों में भी, क्योंकि मथुरा के लोग ही द्वारका गए थे, अगर एक किस्म देखा जाए तो एकांतिक भक्ति नहीं है। अब एकांतिक भक्ति क्या होती है जी, एक तरफ देवके जी कृष्ण को अपना पुत्र मानती है श्रेय लड़ाती है, दूसरी तरफ वो उनकी स्तुति करती है उन्हें भगवान मानती है। अब प्रभु कहते तुम तो मुझे भगवान मानते हो कि पुत्र मानते हो तो बताओ, अगर भगवान मानते हो तो भगवान को ना प्यास सकते ना भूख लगती ना थकान होती है ना कुछ होती है, तो एक ऐश्वर्य एक अलग तरीके से आपको मेरी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुझे अपना पुत्र मानते हो तो पुत्र को असमर्थ है, उसको भूख भी लगती है प्यास भी लगती है उसको थकान भी होती है, वो असमर्थ होता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है उसको नहलाना पड़ता है ये, तो आप क्या भाव रखते हो मेरे प्रति। तो यानी आप एक तरफ उन्हें पुत्र भी मानते हो दूसरी तरफ उनकी स्तुति करते हो कहते हो तुम ईश्वर हो, तेरे क्या संबंध क्या रखे, ये एकांतिक भाव नहीं है। एक भाव ही आपको रखना पड़ेगा, या तो मेरे पुत्र है तो अलग भाव होएगा या ईश्वर मान के चलो तो अलग भाव होएगा, कुछ एक भाव रखिए। इस पर भगवान भी कन्फ्यूज होते हैं कि यह क्या व्यवहार करो उसके साथ, चाहे पुत्र का व्यवहार करो क्या ईश्वर बन जाओ उसके आगे। तो हमें बहुत इन चीज़ों पे सावधानी देखनी पड़ेगी कि हम क्या मानते हैं क्या सोचते हैं, हमें कैसे कौन सा व्यवहार करना चाहिए, फिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको जाना किधर है, ब्रज में जाना है कि मथुरा में कि द्वारका में जाना है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो ब्रज के जाना तो ब्रज के भाव अलग होते हैं, हमको उन नामों का आश्रय लेना पड़ेगा और उनके जैसे भाव रखने पड़ेंगे। ये भूलना पड़ेगा कि वह भगवान है, वे पूर्ण उसे भूलना पड़ेगा। आप भूल कैसे सकते हो, प्रेम में जब डूबोगे तो सब भूल जाता है, प्रेम में डूबना पड़ेगा और ये प्रेम ब्रजवासियों की कृपा से ही तुम्हें प्राप्त होएगा, प्रेम तुम संसार में प्राप्त नहीं कर सकते, ये ब्रजवासियों की कृपा से ही तुम्हें प्रेम प्राप्त होएगा। इसलिए लोग उनके घर में मधुकरी खाते हैं, उनके घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, चाहे वो कोई भी हो, है तो ब्रजवासी, प्रभु से इनका स्वाभाविक प्रेम है। एक छोटी घटना सुनाता हूँ, एक भक्त रहता था कृष्णदास करके नंद गांव में, और वो क्या करता था, कृष्ण की रोज सेवा करता, उनके लिए हार बनाता था और उसने सुन रखा था संतों से जो 12 साल लगातार भगवान की कोई भी सेवा करते हैं वो चीज़ उसे सिद्ध हो जाती है और फिर उसको भगवान के दर्शन होते हैं। लगातार बगैर कोई गैप के आप भगवान की सेवा करते रहोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान आपको दर्शन देंगे, जो भी सेवा आपको प्रिय है आपको अच्छी लगती है वो करिए। तो
उसने 12 साल लगातार सेवा की। जब 12 साल पूरे हुए उसे लगा कि भगवान आज आएंगे, कल आएंगे, भगवान आए नहीं। उसे बड़ा बुरा लगा, यार मैंने रात दिन सेवा की, सब कुछ किया तो आया नहीं मेरे को दर्शन देने, तो क्या शास्त्र के वाक्य झूठे, क्या संतों ने जो कहा वो झूठे हैं। उसने प्रतीक्षा की, शायद अब आ जाएंगे, ये प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन आए नहीं। तो वो एकदम उदास होकर, नाराज होकर चला गया। अब कल से मैं नंदगांव में नहीं रहता हूँ, मैं जा रहा हूँ बरसाने, क्योंकि वो तो बरसाने जो है वो राधा रानी बड़ी करुणामयी है, वो दयालु है, तो हम उसके पास जाते, वो तो इतने साल में करता, वो तो मुझे दर्शन दे ही देती थी। क्योंकि क्या होता है, हमारे प्रभु जो है ना सबका हित करते हैं, प्रभु सबका हित करते हैं, लेकिन राधा रानी प्रेम करती है। प्रभु कहते हैं कुछ योग्यता लाओ तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, राधा रानी कहती है तुम सारे अवगुणों से भरो तो भी आ जाओ, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, तुम आओ तो सही मेरे पास, सारे अवगुण है तो क्या हो गया, मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। वो ये नहीं बोलती तुम एक भी योग्यता लाओ तो मैं स्वीकार करूँगी, तो लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं तुम मेरे प्रति शरणागत होइए, कुछ तो योग्यता लाई तो मैं स्वीकार करूँगा। राधा रानी कहते कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकता तो आ तो सही मेरे पास, मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो ये अंतर है दोनों के भाव में, कृष्ण के, राधा रानी के। तो वो चल पड़े, मैं जा रहा हूँ कल से बरसाने, मैं उधर ही रहूँगा। उन्होंने आपने रोटी वगैरह बनाई ले गए, और जैसे नंदगांव से जाने लगे अचानक देखते हैं कि लाखों गौवें वहाँ से आ रही है, रास्ता उनका जाने का बंद हो गया। और रुके कि गौवें हटे तो मैं जाऊँ, वे रास्ता बंद करके बैठी हैं। उनके पीछे दो सुंदर राजकुमार उनको दिखाई दिए, दो सुंदर राजकुमार दिखाई दिए, बड़े सुंदर है। उन्हें आके पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? कहते मैं बरसाने जा रहा हूँ। अच्छा क्यों भैया, क्या बात है, बरसाने क्यों जा रहे हो नंदगांव छोड़ के? कहते नहीं, वो बहुत धोखेबाज है, इधर का छोरा जो है नंद का बेटा, वो बहुत धोखेबाज है, वो छलता है, वो आता नहीं, दर्शन देता नहीं, कृपा करता नहीं, मेरे को मैंने उसकी सेवा की 12 साल, ये सोच कर कि मेरे को दर्शन देगा, वो आया नहीं, अब तो मैं उससे नाराज हो गया, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा बाबा ये क्या है पोटली में आपके? कहते मेरी रोटी है। कहते रोटी खिलाओगे? कहता ठीक है खा ले, अगर तेरे को इच्छा है, भूख लगे तो खा ले, मैं भी खा ले, तेरे को भी खिला देता हूँ। तो जब वो खाने लगा, जब खोली रोटी, बोलता बाबा मेरे दोनों हाथों गोबर से भरे हुए, मैं कैसे खाऊंगा, तू मुझे रोटी खिला। कहता जैसे तेरा स्वामी वैसे ही तू, रोटी भी मैं खिलाऊँ तेरे को, तो वो भी नहीं खा सकता, रोटी मैं ही खिलाऊँ, चल ठीक है मैं तेरे को रोटी खिला देता हूँ। तो उन्होंने उसको एक ग्रह खुद खाते, एक ग्रह उसको खिलाते, एक कृष्ण को रोटी खिला रहे गोल में बिठा के उसका। तो जब रोटी खा ली तो कहते बाबा अगर तू चला गया तो मुझे हार कौन पहनाएगा? तो बोलते तू कौन है पहले तो बता। तो उन्होंने श्याम सुंदर रूप धारण कर लिया, कहते मैं वो हूँ। तो उन्हें और गुस्सा आ गया, कहते अब तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, अब तो मैं पक्का जाऊँगा बरसाने। भैया क्या तेरे को दर्शन चाहिए, मैं तेरे को दर्शन दे दिए, अब तू क्यों जाना चाहता है, दर्शन चाहिए मैं दर्शन दे दिए तेरे को, अब तो तू रुक जा। कहते बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कहते कि इतने साल सेवा की तू आए नहीं, जब मैं बरसाने की ओर जाने लगा तो तू प्रकट हुआ, यानी बरसाने जाने बातें तो प्रकट हुआ, अगर मैं बरसाने में रहूँगा, राधा रानी की सेवा करूँगा, तो तू हमेशा रोज ही तो मेरे सामने प्रकट होगा, इससे मैं चलो अभी तो मैं पक्का जाने जाना बरसाने, अगर जाने केवल ये सुनने मात्र से मैं बरसाने जा रहा हूँ तो तेरे को प्रकट होना पड़ा, तो अगर मैं बरसाने रहूँगा और शिव जी की सेवा करूँगा तो रोज मुझे दर्शन देगा ही देगा, अब तो मैं पक्का बरसाने जाऊँगा। अब वो चले गया बरसाने और जाके अपना नाम बदल दिया, आज से मैं कृष्णदास, आज मैं से राधा दास हूँ, मैं राधा रानी की सेवा करूँगा और अब कृष्ण मेरे को रोज आएंगे दर्शन देने के लिए, क्योंकि राधा रानी प्रेम करती है और कृष्ण हित करते हैं,
लेकिन वो प्रेम करती है। कृष्ण बोलता है तू योग्य बन और आ, मैं तुझे शिकार करने का तो शरणागत हो। राधा रानी बोलती है प्रभु ऐसा कौन सा प्राणी संसार में जो दोषों से रहता है, अब कैसे वो दोष छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं जैसे भी है उन्हें आने दो, उन्हें शिकार कर लो। और वो प्रभु के हृदय को परिवर्तित करती है, प्रभु को कहती है कि प्रभु आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी बोलती है तो प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा। उनके मन को बदल देती है, उनकी बुद्धि को उसके प्रति कृपा में बना देती है, प्रभु उस पर कृपा कर दो मेरे खाते से ही आया। प्रभु माता रानी ये नहीं बोलती राधा रानी कि तो योग्य नहीं, कहते भाई तो दोषों से भरा हुआ है, मैं जानती हूँ संसार में कोई प्राणी जो दोषों से रहता है, बस तू आ तो जा, मैं तो शिकार करने को तैयार हूँ, ये भाव है। और महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, इससे वो भी ये विचार नहीं करते कि तू शरणागत हो, जैसे कृष्ण जी ने कहा सब धर्म को छोड़ मत में शरण, तो कहते तू केवल हरे कृष्ण बोल, मैं तुझे शिकार करने को तैयार हूँ। सर तो हरे कृष्णा बोल, बोल कुछ नहीं, तो सारी कुछ भी नहीं छोड़ सकता, बुराई चलेगा तो सिर्फ हरे कृष्णा इतना ही तो बोल दे। अब इतना ही तुमको बोलना है। महाप्रभु खुश प्रसन्न होते, महाप्रभु कौन है, राधा रानी के भाव में है, कृष्ण राधा जी के भाव में, तो एक्चुअली राधा रानी ही हमको ब्रिज में लेके जा रही। महाप्रभु हमें ब्रिज में भेजते क्यों, वो राधा रानी के भाव में, एक्चुअली हमें कौन ब्रिज लेके जाए, राधा रानी तो लेके जा रही है। तो राधा रानी ने अगर ले गई तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो योग्यता का विचार ही नहीं कर। इसलिए हम लोग जो हैं राधा पक्ष वाले हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है राधा जी को प्रसन्न करना, राधा रानी को प्राप्त करना, और उनकी कृपा से ही हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक पत्नी ही अपने पति के मन की बात को अच्छी तरह से जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। आप अगर किसी की सेवा करोगे तो उसकी पति को पूछोगे कि तेरे पति क्यों क्या पसंद है, कैसे सेवा करो, तो बताएगी ये कर, इससे वो खुश होएगा, उसके अनुसार अपने हिसाब से करोगे तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि आप उसके मन की बात को जानते नहीं हो। उसी प्रकार राधा रानी जितना कृष्ण से प्रेम करती है उतना कोई नहीं करता। अगर राधा रानी के अनुगत में हम सेवा करेंगे तो कृष्ण हमारे वश में हो जाएंगे। इसलिए हमको राधा रानी के अनुगत में ही कृष्ण की सेवा करनी, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं कृष्ण के प्रति, हमें पता नहीं उसके किस चीज़ में प्रसन्न होते हैं, क्या सेवा करनी, कैसे सेवा करनी है। लेकिन राधा रानी के अनुगत में रहोगे तो कृष्ण 100% आपको प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, कोई संशय नहीं रखना चाहिए। इसलिए हरिनाम करने से राधा रानी मिलती है, हरिनाम करने से ही वो मिलेंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं उनको प्राप्त करने का। क्योंकि वृषभानु और कीर्तिदा ने यही महामंत्र का जाप किया था, और ये मंत्र का तैनी देवी ने दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें राधा रानी प्राप्त हुई है। और रामायण के अंदर भी देखोगे राम नाम के कारण ही हनुमान जी को भक्ति मिली, यानी प्रभु ने बताया अगर भक्ति प्राप्त करना चाहता राम नाम लेके चल, तेरी प्रभु कृपा करके आपका नाम देते हैं भक्ति तक पहुंचना, भक्ति मिलने के बाद सब खत्म हो जाता, यानी फिर कोई समस्या रहती नहीं जीवन में, फिर तो प्रभु की कृपा मिलनी ही मिलनी है। तो उस राधा रानी तक पहुँचने के लिए भी कृष्ण की कृपा चाहिए। कृष्ण से प्रार्थना करो कि मुझे राधा रानी की कृपा मिले, मैं राधा रानी के अनुगत में उनकी सेवा करो। कृष्ण से प्रार्थना करो, संतों से करो, देवी देवताओं से आशीर्वाद लो, प्रणाम करो कि मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे राधा रानी की सेवा मिले, जिसके कारण मैं उन्हें प्राप्त कर सकूँ, अन्यथा मैं प्राप्त नहीं कर सकूँगा। और बिगैर राधा रानी के कृष्ण की कृपा कभी नहीं मिलेगी। तो भगवान की जैसे हनुमान जी को सीता जी राम जी की कृपा से मिली, राम नाम का जप कर सीता जी राम की कृपा से सीता जी मिली, इधर भी कृष्ण कृपा से राधा रानी मिलेगी, और राधा रानी के अनुगत में रह के तुम्हें प्रभु मिलेंगे। और सीता जी ने क्या वर दिया, श्री राम भी तुझ पर कृपा करे, तो कृपा कब मिली राम जी की, जब सीता जी ने कहा, तो भक्ति ही प्रभु की कृपा दिलाती है, क्योंकि वो वात्सल्यमयी है, प्रेममयी है, उदय योग्यता विचारी नहीं जाती है। इसलिए हमें राधा रानी का या महाप्रभु का आश्रय लेना है, तभी हमको कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। तो भाई नाम में तो कौन से नाम का हमको उच्चारण करना है, तो मैं वही बता रहा था हमें। अच्छा, उसमें भी आप ब्रिज में जाते हो, ब्रिज में भी दो भेद आ जाते हैं, एक है चंद्रावली पक्ष वाले, एक है राधारानी पक्ष वाले। तो हमें राधा पक्ष वाले हैं वो नाम ले जो राधा पक्ष वाले, चंद्रावली पक्ष वाले नाम नहीं लेने।
बहुत बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों में, क्योंकि ब्रेक में तो आप चंद्रावली पक्ष के भी आ सकते हो, जिसके कारण आप उदा से राधा से दूर हो जाओगे, उस पर कृपा नहीं मिलेगी। हमें वो नाम जपने हैं जो राधा रानी से जुड़े, राधा गोविंद, राधा गोपीना, राधा मदन मोहन, राधा गोकुलन, राधा दामोदर, ये राधा रानी से। ये तो दूसरे नाम ले लोगे तो फिर राधा रानी से दूर हो जाओगे, फिर वो कृपा नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। भले ब्रज के भाव मिलेगा, भाव मिलेंगे, लेकिन राधा रानी के भाव नहीं मिलेंगे। इसलिए जीव को ये थोड़ी मैंने गुड़ बातें बता दी है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, सुननी तो पड़ेंगी, भले समझ आए या नहीं आए, उतार सको नहीं उतार सको अलग बात है, लेकिन कम से कम सुन तो लो, सुनते सुनते इस भाषा के आदि बनोगे और तब जाके कभी ना कभी तो कृपा समझ में आएगी आएगी। तो क्या जब जगन्नाथ जी का नाम लिया तो उन्हें भारी चेतना आई। देन अगेन लॉर्ड चैतन्य कॉल्ड आउट, नरोत्तम नरोत्तम, लुकिंग अराउंड एज इफ टू फाइंड हिम। फिर उन्हें क्या क्या नरोत्तम नरोत्तम का उच्चारण करने लगे जोर जोर से, जैसे कोई उनको ढूंढ रहे हो, नरोत्तम कोई आसपास है उन्हें ढूंढ रहे हैं। एवरी वन डिसाइडेड दैट इट वुड बी बेस्ट टू समहाउ अदर टेक द लॉर्ड टू नीलाचल। तो सब ने सोचा यही उचित होगा कि प्रभु कैसे भी नीलाचल ले चलते हैं। थिंकिंग दैट वंस ही क्रॉस द रिवर पद्मावती ही वुड अगेन बिकम पीसफुल, उन्हें लगा कि पद्मावती नदी को पार करके प्रभु पुनः शांत हो जाएंगे, उनको ये लगा। व्हेन द लॉर्ड अगेन कॉल्ड अ नरोत्तम नरोत्तम द पीपल बिगैन टू अंडरस्टैंड दैट परहैप्स अ ग्रेट पर्सन वॉज अबाउट टू अपीयर। जब प्रभु ने दोबारा नरोत्तम नरोत्तम करके आवाज़ दी तो उनको लगा कि कोई महापुरुष होगा जो आने वाला है यहाँ पे। लॉर्ड चैतन्य अम्ब्रेस्ड नित्यानंद इन एक्सटेटेड लव एंड सोक्ड हिज बॉडी विद टीयर्स। महाप्रभु नित्यानंद जी का आलिंगन करते हैं प्रेम भाव में और उनके शरीर को अपने आंसुओं से भिगोते हैं। नित्यानंद प्रभु पैसिफाइड द लॉर्ड वाइल पेशेंटली एक्सप्लेनिंग दैट डे शुड गो टू नीलाचल। नित्यानंद जी ने प्रभु को शांत किया ये कहते हुए धैर्यपूर्वक अभी हमें नीलाचल चलना चाहिए। बट कृष्णा हैज फॉरबिडन मी टू गो देयर। चैतन्य महाप्रभु रिप्लाई कहते कृष्ण तो मुझे मना किया वहाँ पे नहीं जाना नीलाचल में। बिसाइड देयर इज सच अ क्राउड देयर स्टिल आई विल डू वट एवर यू फील इट राइट। उधर बहुत भीड़ भी हो जाती है तो फिर भी जैसा तो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ। आई एम नॉट इंडिपेंडेंट आई विल एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। नित्यानंद प्रभु आश नित्यानंद प्रभु कहता माई लॉर्ड यू हैव रिपीटेडली बीन कॉलिंग आउट नरोत्तम ड्यूरिंग योर कीर्तन। नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु आप बार बार अपने कीर्तन में नरोत्तम नरोत्तम क्यों बुला रहे हो, आप बुला रहे थे। आई थिंक ही मस्ट बी एन एग्जॉल्टेड डिवोटी एंड आई विश टू से, मुझे लगता है कोई वो महापुरुष होएगा और मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु जिसको स्मरण करे वो साधन जीव हो ही नहीं सकता। आई थिंक गेनिंग ही एसोसिएशन वुड बी अ ग्रेट बेनिफिट टू मी। मुझे लगता है उनका संग करने से मुझे विशेष लाभ होएगा। बींग अलोन आई वॉज अनएबल टू प्रोटेक्ट यू वैन यू डिस्प्ले सिम्टम ऑफ एक्सटेटेड लव। जब मैं अकेले था मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका जब आप भाव प्रेम में डूबे हुए थे। एंड आई कैनॉट टॉलरेट सीइंग योर पैथेटिक कंडीशन व्हेन यू फील इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। और मैं आपकी दयनीय स्थिति को नहीं समझ सकता, देख सकता कि आपको कितना दुख होता है, आपके अंदर विरह उत्पन्न होते हैं कृष्णा के वियोग में, आपको जो विरह उत्पन्न होते हैं मुझसे देखे नहीं जाते आज इस प्रकार विलाप करते हो। लॉर्ड चैतन्य सेड देयर इज अ प्लेस कॉल गदेहर हट नियर हेयर, इट इज सो प्लेजेंट दैट इफ़ यू विजिटेड यू विल नॉट वॉन्ट टू लीव। तो महाप्रभु कहते हैं एक स्थान है जिसका नाम है गदेर हट, इधर ही है पास में, वो इतना अच्छा है अगर आप उधर जाना भी अगर आप जाओगे तो आप उस स्थान को त्यागना नहीं चाहोगे। माई डियर लॉर्ड नित्यानंद आई हैव ग्रेट डिजायर टू डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ गॉड एट दैट प्लेस। मेरी बहुत इच्छा है मैं भगवान का प्रेम वहाँ पर वितरण करूँ। द संकीर्तन मोमेंट हैज इनोडेटेड द एंटायर नवदीप एरिया बट नाउ आई लिव इन नीलाचल। तो कहते संकीर्तन मेरा जो है इसने पूरे नवदीप को प्रेम में डुबो दिया है और मैं रहता नीलाचल।
I wish to preserve the Sankirtan moment after I leave this world. जब मैं इस संसार को त्याग के जाऊंगा, मैं चाहता हूं ये संकीर्तन बना रहे, लोग हरिनाम ना बंद करें, हरिनाम कीर्तन और हरिनाम जब चलता रहे, ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है. So I will distribute love of God at Gadirhat. और मैं वहाँ पे भगवत प्रेम वितरण करूँ गदेरहट में. नितिन प्रभु सेट, नितिन प्रभु कहते हैं, ओ लॉर्ड वाई आर यू सो कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस. प्रभु आप इस स्थान को लेके इतने चिंतित क्यों हो. हु डेयर इज फॉर्चुनेट कैंडिडेट फॉर योर मर्सी. कौन भाग्यशाली पुरुष है जो आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता है उस स्थान पे. लॉर्ड चैतन्य प्रभु महाप्रभु कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड लव ऑफ गॉड विल नॉट डिसअपियर. कहते नितिन को, जब तक कुछ धरातल पे है भगवत प्रेम लुप्त नहीं होगा. इफ लव ऑफ गॉड इज गिवन टू अ सूटेबल पर्सन इट विल रिमेन इंटैक्ट, अदरवाइज इट वे बी मिसयूज. अगर उचित बंदे को ही अगर हम प्रेम देंगे तो वह प्रेम बना रहेगा, नहीं तो प्रेम का कोई दुरुपयोग भी कर सकता है. एट प्रेजेंट पीपल ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन इंटॉक्सिकेटेड बाय लव ऑफ गॉड. अभी तो इस देश पर सभी लोग कृष्ण प्रेम में मतवाले हो रहे हैं. Still I wish to save that प्रेम here for future generation. भविष्य के लोगों के लिए मुझे उस प्रेम को संभाल के रखना है. Let's go to गदेरहट. चलो हम गदेरहट जाते हैं. I will give love of God to a person who will in due course of time intoxicate everyone with such ecstasy. मैं उसे भगवत प्रेम दूंगा उस मनुष्य को समय अनुसार जो सबको प्रेम में डुबोएगा, सबके अंदर प्रेम उत्पन्न कराएगा. मैं उसको देना चाहता हूँ. माय डियर नित्यानंद डोंट वरी यू डू नॉट नो योर ओन ग्रेटनेस. कहते हैं मेरे प्यारे नित्यानंद आप चिंता मत करिए, आपको आपकी महानता का पता नहीं है. यू हैव बॉन्ड मी विद योर लव सिंस आई हैव बीन टू नीलाचल. आपने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध दिया है जब से मैं नीलाचल गया हूँ. यू हैड फेल्ट ग्रेट सेपरेशन फ्रॉम मी. आपको मेरे बगैर बहुत विरह उत्पन्न हुआ है. एंड क्राइड प्रोफेशनल टीयर्स ओवर मी. और मेरे आप बहुत रोए भी हो. आई वॉन्ट टू डिपॉजिट दैट लव इन दी वाटर ऑफ द रिवर पद्मावती. मैं उस प्रेम को पद्मावती नदी में धरोहर के रूप में रखना चाहता हूँ. डिपॉजिट एक धरोहर के रूप में रखना चाहता हूँ. सो दैट शी कैन डिलीवर टू नरोत्तम. क्योंकि जब आगे के नरोत्तम दास आएंगे तो वो उसको प्रेम प्रदान कर सकती है. यानी पद्मावती नदी नरोत्तम को प्रेम प्रदान करेगी. जो प्रेम महापुरुष पद्मावती में छोड़ के जा रहे हैं वही प्रेम पद्मावती नदी ने उन्हें प्रदान कर नरोत्तम ठाकुर को. दिस नरोत्तम विल बी द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव ऑफ गॉड एंड ही विल सून टेक बर्थ. तो ये जो नरोत्तम है ये भगवत प्रेम के स्वरूप है और ये बहुत शीघ्र जन्म लेने वाले हैं. बहुत शीघ्र जन्म लेंगे. नहीं अभी ये आए नहीं है. प्रभु कब देख लो पहले से योजना बना रहे हैं प्रेम किसको देना है, कैसे प्रदान करना है. और उसको याद कर नरोत्तम करके आएगा मेरा भक्त जो मेरे इस अभियान को आगे लेके जाएगा और सबको प्रेम में डुबोएगा. यानी वही हमको करना है. हमें भी हम सबका कर्तव्य यही बनता है जिससे हो सके हरिनाम करवाएं. इससे क्या होगा, हरिनाम से उनके अंदर प्रेम प्राप्त होगा, उनको हरी कथा दें तो हम भी महाप्रभु के कृपा के पात्र बने. क्योंकि उसके अभियान में हम भी तो सहायता करें. वो यही तो चाहते हैं प्रेम वितरण खत्म ना हो. भविष्य में लोगों का उद्धार कैसे होगा अगर हम यही सोचें मैं अपना भजन कर मुझे क्या लेना देना. तो ये एक किस्म से अपराध ही होता है. क्यों, क्योंकि तुमको जो मिला तुम उसको वितरण करना तुम्हारा कर्तव्य है. तुम स्वार्थी मत बनिए. और हो सकता है जब स्वार्थी हो तो प्रेम नहीं देंगे आपको, क्योंकि जब तुम वितरण करोगे तभी तुम्हें प्रेम मिलेगा. मुझे याद आता है हमारे भक्ति रक्षा सीता महाराज जी का एक प्रसंग याद आता है. वो एक बार गए थे नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान में और वहाँ पे नित्यानंद जी के सामने खड़े होके नित्यानंद से मांग रहे भिक्षा मुझे प्रेम दो. नित्यानंद प्रभु ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, जो तुम्हें दिया क्या तुमने उसका वितरण किया, क्या किया तुमने, क्यों चाहते तुम. और
जो है पर्याप्त तुम्हारे पास, तुम वितरण करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, जब तुमने वितरण करना ही नहीं तो मैं तुम्हें क्यों दूं। उसके बाद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, नाम बताना शुरू किया, फिर उनको और कृपा मिली। जब इंसान जो प्रेम तुम्हें प्राप्त है, जितना भी प्राप्त है, उसको वितरण करोगे, अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा ये प्रभु व्यवस्था खुद करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अपने आप तुम्हारी प्रेरणा मिलेगी, तुम्हें कोई निरुत्साहित नहीं कर सकेगा, क्योंकि संसार में सब जीव एक दूसरे को निरुत्साहित करते हैं। ज़्यादा माला करने की जरूरत नहीं, क्या करना जा रहा माला करके, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हमने करके देख लिया, इस प्रकार व्यर्थ की बातें करते हैं। तो इससे क्या होता है, दिल जीव टूट जाता है दिल। लेकिन अगर आप दूसरे को सहायता करते हो, प्रेम वितरण करते हो, नाम की महिमा गाते हो, तो आपके अंदर प्रेम हो या ना हो, गाते गाते वितरण करते करते महाप्रभु आपको प्रेम देंगे ही देंगे। क्योंकि तुम चेष्टा करो मेरे नाम को देने का, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं प्रेम देने का, वो जरूर प्रेम देंगे। और जिसके हम योग्य नहीं भी हैं, वो योग्यता भी आ जाएगी, और आपका कभी निरुत्साहित नहीं होगा, उल्टा आपका भजन बढ़ेगा। क्योंकि जो इंसान दान करता है ना, वही चीज़ कई गुना बढ़ के आती। नाम का दान करिए, कथा का दान करिए, प्रेम का, आपके जीवन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग दान करते हैं केवल रोटी की बात करते हैं, ये करो भंडारा करो, ये करो वो करो, सब सब ठीक है, लेकिन वो तो सब शरीर संबंधी है। आत्मा का भोजन तो हरि कथा हरि नाम है। जब तुम्हें कथा ही नहीं दी, नाम ही नहीं दिया, तो जीव का उद्धार कैसे होएगा? हम यही सोचते हैं कि हमने हॉस्पिटल खोल दिए, ये किए, ये सब खोलना भी ठीक है, कोई दोष नहीं है, लेकिन जीव रोगी क्यों बनता है? पाप कर्म के कारण तो बनता है, तो उसकी पाप की वृत्ति खत्म करो। जब पाप की वृत्ति खत्म होगी, तो वो रोगी नहीं, वो गलत खाएगा पिएगा नहीं, गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि भक्त तो रोगी भी नहीं होएगा वो। और जो पुराने रोग जो उसको आने कर्म अनुसार हरि नाम से, वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ पे सवाल आता है कि जो हमारे गुरुवर्ग है उनमें रोग क्यों दिखाई दिया? भाई उनमें क्यों रोग दिखाई दिया? वो क्या कर्म को भुगतते थे क्या? कहते नहीं, क्योंकि इसका उत्तर भी बहुत अच्छा दिया गया है हमारे आचार्यों ने। कहते हैं कि वो आपके कर्म को नहीं भुगत रहे हैं। इनफैक्ट जो रियल वैष्णव होते हैं, वो कभी किसी सेवा लेते नहीं हैं, वो अपनी सेवा खुद करते हैं। ज़्यादा करोगे एक बंदा आएगा जो सेवा करेगा, अब उनके हज़ारों शिष्य हैं, तो वो सेवा नहीं, उनका मंगल कैसे होगा, आपके गुरु के करीब कैसे आएंगे? और ये सेवा लेते भी नहीं, कहते नहीं मैं तो तुच्छ हूँ, मैं कैसे सेवा लूँ, वो इतनी दैन्यता होती है। तब प्रभु कहते हैं काम करता हूँ मैं, अपनी इच्छा से उनके अंदर रोग पैदा कराता हूँ। जब रोग पैदा होता है तो फिर वो असहाय हो जाते हैं, असहाय, फिर हज़ारों शिष्य कोई धन से सेवा कराए, कोई शरीर से सेवा कराए, कोई कैसे सेवा, कोई कैसे कराए। इसी प्रकार अपने गुरु की सेवा करके गुरु के करीब होते हैं, और फिर उनका उनको कृपा मिलती, उनका उद्धार होता है। जीव के मंगल के लिए प्रभु गुरु को रोग की के लीला प्रदान करते हैं कि तो रोगी हो जा। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरु है, संत है, ये रोगी कैसे हो गया, ये तो हमारे गुरु है, तो महापुरुष है। ये हमारी मंगल के लिए प्रभु ने रोग दान किया है उसको, कि तो रोग के लीला प्ले कर, ताकि बाकी तेरे शिष्य है वो तेरे करीब हो, तेरी सेवा करे, उनका उद्धार हो जाए। तो देखो ये चीज़ हमको समझना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ, इससे मैं महापुरुषों के विचार मिलते हैं, तो मेरी कई शंकाओं का समाधान हो जाता है। ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे गुरु इतने श्रेष्ठ वो थे, फिर वो रोग क्यों रहे, ऐसे बीमार क्यों रहे, क्या स्थिति थी? अगर मैंने दावे से कहता हूँ, अगर रोगी नहीं होते ना मैं सेवा करता, ना कोई, जो भी जैसे भी हमने शरीर से या धन से जितनी हमारी क्षमता थी, सबने जितने उनके सपने कुछ ना कुछ सेवा जरूर की है, कुछ ना कुछ सेवा सबने जरूर की। इससे क्या होगा, सबका संबंध गुरु से हो गया, क्योंकि जिधर आपकी एनर्जी जाएगी उधर संबंध बन जाता है। तो सबने सेवा के संबंध बन गया, और संबंध बन गया तो सबका उद्धार होना ही होना है, क्योंकि इसने मेरी सेवा की है। तो गुरु बोलते मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया, तो ऋण चढ़ गया तो उसको उद्धार करना पड़ेगा। तो प्रभु से कह, प्रभु से मेरी सेवा की, इसके ऊपर कृपा कर दो, तो प्रभु को कृपा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो महापुरुष है। तो इसके कैसे प्रभु मौका ढूंढते हैं जीव का उद्धार करने के लिए, ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। हमको इस तरह नहीं सोच लेना कि ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, जैसे हम अपनी बुद्धि से इन चीज़ों को नहीं समझ सकते।
इसे हमको शेष संतों का संग, ग्रंथों का संग करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारी विचारधारा में और उन्नति होए और ऊपर की और उठे, ये चीज़ हमको समझ आनी चाहिए। ये तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो कहते हैं डैश दिस नरोत्तम विल बी द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव ऑफ गॉड एंड ही विल सून टेक बर्थ। ये नरोत्तम है, ये प्रेम के स्वरूप होंगे और ये बहुत शीघ्र जन्म लेने वाले हैं। नित्यानंद सेड वेयर इज दिस प्लेस गदेरा हट। तो नित्यानंद ने पूछा ये स्थान कहाँ है गदेर हट। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं उधर जाना चाहता हूँ। बोथ साइड ऑफ द पद्मावती आर अट्रैक्टिव। पद्मावती के दोनों तट जो है बड़े सुंदर हैं। द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ दिस रिवर इंट्रेंस ऑल हु बेद इन इट। जो इस पर जो पानी इतना स्वच्छ इतना साफ है, जो उस पर स्नान करता है वो बहुत उसको आनंद प्राप्त होता है, वो मोहित हो जाता है। लॉर्ड चैतन्य देन वेंट टू गदेरहट बाई प्रिटेंडिंग टू अदर्स दैट ही वॉज गोइंग टू वृंदावन। तो प्रभु जो है गदेरहट की ओर गए ये दिखाते हुए कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। ऑन इज रिटर्न जर्नी श्री चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु अराइव एट द ब्यूटिफुल विलेज ऑफ कुडोर दारापुर वेयर दे स्पेंड अ नाइट डिस्कशिंग कृष्ण कथा। तो वापसी पे समय महाप्रभु नित्यानंद जो होते हैं एक सुंदर गांव में आते हैं, उस गांव का नाम क्या है कुडोरापुर। तो वहाँ पे वो पूरी रात व्यतीत करते हैं कृष्ण कथा करते हुए। The next morning the Lord bathed in the river and then performed संकीर्तन। अगले दिन प्रभु जो हैं उस नदी में स्नान करते हैं और संकीर्तन करते हैं। The Lord and his associates rode loudly in ecstatic love। प्रभु और उनके संगी जो थे वो बहुत जोर से गजना कर रहे थे प्रेम के कारण। And their body shivered in ecstasy। और उनके जो शरीर थे भाव के कारण कांप रहे थे। The dancing became so wild that thousands of people could not have held them still। उनके जो नृत्य था इतना जबरदस्त था कि हजारों लोग भी उनको पकड़ नहीं सकते थे। Still during the kirtan the Lord repeatedly called नरोत्तम नरोत्तम। कीर्तन के समय प्रभु फिर भी आवाज लगा रहे हैं नरोत्तम नरोत्तम। नित्यन प्रभु said this नरोत्तम has stolen your love of God। नित्यानंद प्रभु ने कहा ये नरोत्तम ने आपका प्रेम चोरी कर लिया है, नरोत्तम को ने आपका प्रेम चोरी किया है। दे लीडर ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद प्रभु बिस्टोर लव ऑफ गॉड और नरोत्तम दास ठाकुर इवन बिफोर हिज बर्थ। पाठ को ये समझने की चेष्टा करिए कि नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार भगवत प्रेम अर्पण करते हैं। नित्यानंद प्रभु को उनके प्रकट होने के पहले ही प्रेम अर्पण कर रहे हैं। कैसे कही है हम पढ़ रहे हैं। द टू लॉर्ड्स एंड देयर एसोसिएट फाइनली स्टॉप फॉर कीर्तन एंड एंटर द पद्मावती टू बेद। ये दोनों प्रभु नित्यानंद और महाप्रभु दोनों जो हैं रुकते हैं कीर्तन को रोकते हैं और पद्मावती नदी में स्नान करने जाते हैं। As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu touched her water, the river goddess Padmavati became intoxicated with love of God। जैसे प्रभु का शरीर उस नदी को स्पर्श किया पद्मावती नदी को वो प्रेम में मतवाली हो गई। Her waves came to a standstill and her water began to rise। उसके जो क्या बोलते हैं तरंगे जो थे वो रुक गई और उसका पानी बढ़ने लगा। विद इन अ शॉर्ट टाइम द विलेज वॉज फ्लडेड। थोड़े समय में पूरे गांव में पानी भर गया। द पीपल वर बोथ अस्टॉनिश्ड एंड फ्राइटेंड टू सी सो मच वाटर व्हेन इट वाज नॉट अ रेनी सीजन। लोग घबरा गए और आश्चर्य में पड़ गए कि इतना पानी पूरे गांव में, तो बारिश हुई नहीं है, बारिश का मौसम भी नहीं, तो इतना पानी गाँव में कैसे आ गया। ये प्रभु का प्रेम का जो उन्हें दिया था जिसके कारण उस पर बाढ़ आई। द लॉर्ड टोल्ड पद्मावती सेव द एक्स्ट्रा लव फॉर नरोत्तम यू कैन अवॉर्ड इट टू हिम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। प्रभु ने कहा उस पद्मावती नदी को ये प्रेम को संभाल के रखिए, जब नरोत्तम आएगा आप स्नान करने के लिए
तब ये प्रेम उसको प्रदान करना। हाउ विल आई रिकॉग्नाइज हिम, शिया, मैं उसे कैसे पहचानूंगी, परमती दादी ने कहा। द लॉर्ड रिप्लाइड, व्हेन समवन टच मेक्स यू मोर एक्सटैटिक, नो फॉर सर्टन दैट दिस इज नरोत्तम, जिसके स्पर्श करने मात्र से भाव तेरे और बढ़ जाएंगे तो वो नरोत्तम है, क्योंकि संत के दर्शन मात्र से ही भाव जागृत होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है, संत के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। तो कहते जब होए तो समझ लेना कि वो नरोत्तम है। हैप्पीली पद्मावती हेल्ड विद इन हरसेल्फ द लव ऑफ गॉड गिवन टू हर बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, कंटेनिंग इट फॉर नरोत्तम। तो बड़ी खुशी से उसने उस प्रेम को अपने पास रखा जो महाप्रभु ने दिया था नरोत्तम को प्रदान करने के लिए। व्हेन पद्मावती बेड फेयरवेल टू द लॉर्डशिप, बोथ श्री चैतन्य महाप्रभु नितिन प्रभु स्टूड मोशनलेस फॉर ए वाइल, जब वो उनको विदा करती हैं महाप्रभु नितिन को, ये दोनों जो हैं वहाँ पे स्तंभित हो जाते कुछ समय के लिए, वॉचिंग हर डिपार्ट, देखिए पद्मावती जा रही है। द फ्लड और लव और गॉड ग्रेजुअली फिल्ड अदर विलेजेस सच ए जाजीग्राम, सो दैट द पीपल इन दैम व मैडन विद एक्सटेटिक मोशन, जो प्रभु का जो प्रेम था वो सब गांव में चला गया जाजीग्राम तक, जहाँ पे श्रीनिवास आचार्य थे वो वहाँ तक गया, और सारे जो थे उस प्रेम भाव में पागल हो गए थे। ये तो प्रभु देने थे प्रेम, कृष्ण प्रेम, राधा जी का सेवा, उसका प्रेम, मंजरी भाव जो देना थे वो यही तो था। आई फील लाइक स्टेइंग हियर लॉन्गर बिकॉज दिस प्लेस इज सो वंडरफुल, नितिन प्रभु रिमार्क्ड। मेरे नितिन प्रभु कहते हैं मेरी इच्छा यहाँ पे और रहने की, ये स्थान बहुत अद्भुत है। बट द लॉर्ड सेड इट सीम एज इफ यू विश टू पर्सनली टेक चार्ज ऑफ नरोत्तम एंड अवॉर्ड हिम लव ऑफ गॉड, तो प्रभु ने कहा मुझे लगता है कि तो उस प्रेम को लेके खुद नित्य नरोत्तम को प्रदान करना चाहते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे जो भाव जो मैं देख रहा हूँ, यानी कि नितिन उस प्रेम को देना चाहते नरोत्तम को, प्रभु ने ऐसा क्या मेरे को लगता है तेरे भाव से। बट द टू लॉर्ड्स लेफ्ट गदेरहट एंड आफ्टर क्रॉसिंग द पद्मा रिवर वॉक टू नीलाचल, के दोनों प्रभु जो है गदेरहट को छोड़ के पद्मावती नदी को पार करके नीलाचल के चले गए। पीपल ऑफन आस What is प्रेम, आर dancing, सिंग एंड crying characteristics ऑफ प्रेम, तो कहते हैं लोग पूछते हैं प्रेम क्या है, क्या केवल नृत्य करना, कीर्तन करना या रोना ही प्रेम के लक्षण है। Who can make such unfortunate people understand how our love of God will manifest and how it is, ये दुर्भाग्यशाली को कौन समझाएगा कि प्रेम कैसे प्रकट होता है और वो कैसा जीव के ऊपर असर करता है। लॉर्ड कृष्णा इज द पर्सोनिफाइड अ लव ऑफ गॉड, कृष्ण जो है वो प्रेम स्वरूप है। ही हिमसेल्फ अपीयर्स एज एक्सटेटिक लव, वो स्वयं जो है प्रेम का रूप धारण करके आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण जी ने धनुष बाण छोड़ के बांसुरी क्यों ली। कहते हैं त्रेता में खर दूषण भी मेरे रूप को देख के आकर्षित होते थे, ये राक्षस भी, यानी द्वापर के लोगों की स्थिति से कितने ऊंचे थे राक्षसों के भी, तो प्रभु के रूप को देख के आकर्षित हो, और लिखा भी है ये कितने सुंदर है, ये वध करने योग्य नहीं है, खर दूषण के मुख से शब्द निकले। लेकिन द्वापर के अंत में इतनी मानसिक स्थिति लोगों की गिर गई कि घर के लोग ही प्रभु से वैर विरोध करने लगे। तब प्रभु ने सोचा इनका उद्धार कैसे होएगा, तो इन्होंने बांसी बजा बजा के प्रत्येक जीव को आपके आकर्षित करना चाहे, इसलिए कहते करुणा का अवतार है ये जो कृष्ण अवतार है करुणा, जिन्होंने बांसी बजा के कृष्ण को ने सबको आपके आकर्षित किया। तुम मेरे प्रति आकर्षित ही होना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें आकर्षित कर सकता हूँ आपके बांसी की ध्वनि से। फिर प्रभु टेढ़े क्यों खड़े हुए, एक पैर ऊपर करके टेढ़े क्यों खड़े हैं। इसलिए कहते हैं प्रत्येक युग में जितने जीव थे या देवी देवता थे मेरे को आगे मेरे को चरणों में प्रणाम करते हैं और मेरी चरण धूलि सिर पर धारण करते हैं, लेकिन द्वापर के अंत में और कलयुग में
तो लोग मुझे प्रणाम भी नहीं करेंगे तो मेरी चरण धूलि उन्हें कैसे प्राप्त होगी। इसलिए वो त्रिभंग रूप धारण कर पेड़ ऊपर खड़े हो गए और कहते हैं, पवनदेव मेरे चरणों की धूलि उड़ा और इन जीवों पर डाल ताकि इनका उद्धार हो। ये तो मुझे प्रणाम करने को तैयार नहीं, मेरी चरण धूलि लेने को तैयार नहीं, पैर ऊपर करके टेढ़े होके कहे पवनदेव मेरे चरणों की धूलि उड़ा और इनका उद्धार कर। ये प्रभु के भाव होते हैं। हम लोग क्या अर्थ लेते हैं और अर्थ होते क्या है, इसलिए जब तक इन अर्थों का भाव को नहीं लोगे आप प्रेम में नहीं डूबोगे। इसलिए पार में क्यों थे करुणा के अवतार है, क्योंकि कृष्ण जी बलात् खींचते हैं अपने बांसुरी के द्वारा। कृष्ण का अर्थ ही तो जो आकर्षित करे, न का अर्थ होता जो प्रेम प्रदान करे, जो सेवा में दुख करे। ये यानी मेरा मन नहीं भी लगता है लेकिन कृष्ण 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 बोलने से वो खींचते हैं मन को, मन लगना शुरू हो जाता है, जबरदस्ती खींचेंगे। उनको सब उनके नाम का अर्थ ही खींचना, प्रभु आकर्षित करते ही करते हैं सबको। इसलिए जीव को हरि नाम करना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में और उसका ताकि मन आकर्षित होए। समझ रहे हो भाई भाव को क्यों कहा गया कृष्ण को प्रेम के स्वरूप है। लॉर्ड कृष्णा इज द पर्सोनिफिकेशन लव ऑफ गॉड। कृष्ण जो है वो प्रेम के स्वरूप है। ही हिमसेल्फ अपीयर्स एज एक्सटेड वो सेम प्रेम स्वरूप धारण करके आए हैं। श्री रूप गोस्वामी कन्फर्म दिस इन हिज बुक्स। रूप गोस्वामी ने ये बातें अपनी पुस्तकों में कही है। आई डू नॉट नो इवन अ लिटिल ऑफ दिस कंक्लूजन। मेरे को तो उसका जो क्या बोलते हैं निष्कर्ष पता ही नहीं क्या है वास्तव में। आई एम सिंपली ट्राइंग टू प्रेजेंट वॉट एवर हर्ड फ्रॉम अथॉरिटी। जो मैं महापुरुष से सुना मैं उसी को उच्चारण कर रहा हूँ। आई हैव जस्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लॉर्ड सेविंग लव ऑफ गॉड फॉर नरोत्तम। मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया कि प्रभु ने अपना प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर के लिए किस प्रकार संभाल के रखा है पद्मावती नदी में। एनी वन हु फेयरफुली हियर दिस नरेशन विल सून अटेन द वेल्थ ऑफ लव ऑफ गॉड। जो इस प्रसंग को सुनेगा उसे प्रेम की प्राप्ति होगी होगी। डिजायरिंग टू सर्व द लोटस फीट ऑफ जानवा एंड वी चंद्र एंड नरोत्तम दास नरे प्रेम विलास। यानी मेरी इच्छा है जानवा और वी चंद्र के चरण कमलों की सेवा करने की और मंजतन जो है प्रेम विलास का वर्णन करता हूँ। तो कथा हम अगली बार पढ़ेंगे कि नरोत्तम दास इस धरातल पे कैसे आए। विश्राम करता हूँ। वांछा कल्पत्रु भेष कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।